नूर की एक किरण जुल्मात पर भारी होगी, रात इनकी है मगर सुबह हमारी होगी। एक तस्वीर इस प्रदेश के गृह मंत्री देख ले, एक तस्वीर प्रदेश के डीजीपी देख ले, एक तस्वीर मुख्यमंत्री महोदय देख ले। गजब है, पुलिस के एक एसआई पर फायर होता है, उसे लात मारी गई है और पुलिस खामोश है। वजह है, पुलिस पर नेताजी भारी पड़ गए। वो सुबह तो आएगी जब न्याय होगा। मामला मध्य प्रदेश के सागर के बांद्री का है, जो बेहद हाई प्रोफाइल है। इतना हाई प्रोफाइल कि एक नेता जो जिला पंचायत सदस्य है। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड वार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है, किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी के नेता, नाम है सरबजीत सिंह लोधी, जिसने अपने साथियों के साथ सौरभ साहू के ढाबे पर फायरिंग की थी, लोगों को पीटा था, दहशत पसारी थी। उन्होंने बीते दिनों अपने साथियों के साथ 15 मिनट तक ढाबा में जमकर उपद्रव किया था। यह ढाबा नेशनल हाईवे बांद्री में स्थित है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इसी मामले में एक सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है, जहाँ बांद्री थाना में पदस्थ एएसआई देवेंद्र श्रीवास्तव पर सरबजीत सिंह ने एक राउंड फायर किया है। तस्वीरें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। साथ ही उन्होंने एक लात भी उस पुलिस अधिकारी को मारी है। कोई नेता गोली चला रहा है, उस पर गोली चलाने की धारा नहीं लगाई जा रही है। इसका मतलब साफ है कि कोई बड़ा नेता इस मामले में पुलिस पर दबाव बना रहा है। अब सरबजीत सिंह किसी बड़े नेता के खासम खास है। नाम है प्रहलाद पटेल, जो मध्य प्रदेश शासन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है। अब अगर कोई पुलिस पर फायर करता है और वो नेता नहीं होता है, तो अब तक तो पुलिस उस बदमाश पर न सिर्फ गोली चलाने की धाराएं लगाती, बल्कि उसके घर पुलिस और प्रशासन बुलडोजर चलवा देता। पूरा मामला हम आपको फिर से बताए देते हैं। बीते दिनों बांद्री के सौरभ साहू के ढाबे पर दो पक्षों में बहस होती है, जहां एक पक्ष सरबजीत सिंह का ड्राइवर होता है। उसके बाद सरबजीत सिंह को उसका ड्राइवर फोन लगाता है और फिर जिस अंदाज में सरबजीत सिंह एंट्री उस ढाबे में करते हैं, ऐसा लगता है कि मानो खयामत आ गई। वो ताबा तोड़ फायर करते हैं। साथ ही सौरभ साहू जो ढाबा संचालक उसके जीजा के साथ भी मारपीट करते हैं। वो तमाम चीजें सीसीटीवी फुटेज में वायरल हो चुकी हैं। लेकिन अब पुलिस पर फायर करते हुए लात मारती हुई एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इन पुलिस अधिकारी का नाम देवेंद्र श्रीवास्तव है, जो बांद्री में पदस्थ है। क्या डीजीपी महोदय जी
आपकी पुलिस इसी तरह पिटती है और आप हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं। किसका दबाव है, कौन का रवाई में खलल डाल रहा है। फायरिंग हुई है तो पुलिस ने अभी तक 307 धारा जो अब नए कानून में बदल कर 109 हो गई क्यों नहीं लगाई। पुलिस के साथ फायरिंग और लात मारने वाली घटना को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। अगर आज पुलिस इस मामले में गंभीर धाराएं नहीं लगाती है तो शायद गोली चलने पर अब सागर में 307 यानी 109 धारा नहीं लगेगी। क्या यह नया नियम पुलिस ने बना लिया। इन तमाम बातों से एक बात तय होती नजर आ रही है कि पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया है। शायद पुलिस किसी नेता से डर गई। यही सच है गुरु, यही सच। सौरभ जैन, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बांधवी। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।